नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांजलि है और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पद्मा सचदेव जी ने लिखी है और इस कहानी का नाम है हम वतन। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। कोलाबा जाने वाले बस स्टैंड पर मैं अकेली खड़ी थी। वर्ली सी फेस के सामने बम्बई का समुद्र हाथ मुंह धोकर सुबह से पूरी तरह खिलने का इंतजार कर रहा था। उसकी छाती पर अठखेलियां करते समुद्र पाखी लहरों के साथ ऊपर नीचे जा रहे थे। दूर तक फैले समुद्र पर जहां मटियाला नजर आता था, वहां खड़े दो तीन जहाज चित्र की तरह मड़े लग रहे थे। तभी सुबह के साथ अठखेलियां करती हवा मेरे कान में आकर कहती है, कोलाबा जाने वाली बस आ रही है। बस झटके के साथ आकर रुकी। मैं बस पर चढ़कर बिना रुके सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर दौड़ गई और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। समुद्र की लहरों ने मुझे पकड़ना चाहा। ज्यों ही खूब ऊंची छलांग उन्होंने लगाई तो मैं पूरी उसमें भीग गई। बस दौड़ने लगी तो मुझे लगा मैं हिंडोले पर झूल रही हूँ। बस बाएं मुड़ती तो मैं पूरी की पूरी पीतल की गगरी की तरह बाएं झुक जाती और जब बस दाएं मुड़ती तो मैं दाएं को लुढ़क जाती। सीट की लोहे की डंडी को जोर से थामे हाजी अली के आगे से निकली तो मैंने हाजी अली पीर को झुककर आदाब करके सैनिकों की लंबी उम्र की भीख मांगी। हाजी अली का सुंदर चौराहा पार करके मैं पेडर रोड में दाखिल हुई तो मुझे होश आया और 1971 की जंग में जख्मी हुए जवानों की सूरतें आंखों में घूमने लगी। भारत पाक में छिड़ा युद्ध खत्म हो गया था। बच गई थी कुछ सांसें जिन्हें जंग के मैदान से उठाकर लाना पड़ा था। मुझे ख्याल आया इसी तरह कई जख्मी पाकिस्तान में भी होंगे। मैं कोलाबा के मिलिट्री अस्पताल में आए घायल सैनिकों को देखने जाती थी। वहां के सभी डॉक्टर व नर्स मुझे जानते थे। वही बता देते थे आज इस मरीज के पास जाकर बैठो तो आज उस सिपाही से जाकर बात करो। मैं उनकी दवाई का भी पूरा ध्यान रखती थी और उनसे बातचीत भी करा करती थी। बड़ा सुकून मिलता था ये सब करके। यूं लगता था जैसे इस जंग में मेरा भी योगदान है। रास्ते में मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक एक दर्जन केले, एक दर्जन संतरे और कुछ गुलाब के फूल खरीदे। सीढ़ियां चढ़कर मैं अस्पताल के पहले माले पर पहुंची तो व्हीलचेयर पर उकड़ू बैठा एक सिपाही आंखों पर हाथ रखे कराह रहा था, हाय माए की करा। मैं चौंकी, यह डोगरा जवान है। मैंने वहीं से व्हीलचेयर पर हाथ रखा और खिदमतगार की तरफ मुस्कुराकर देखा और साथ साथ चल पड़ी। कमरे में जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया तो फिर वह एक बार बोला, हाय माए बड़ी पीड़ है। मेरा कलेजा भराया। उसकी आवाज़ में पता नहीं कितना दर्द भरा था। माँ कहते वक्त जब उसके होंठ मिले तो उसके सूजे हुए होठों पर खून का एक कतरा निकल आया। डॉक्टर ने आके उसे एक इंजेक्शन दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे, बहुत धीरे, जैसे माँ अपने एक सोए बच्चे की बगल में जाकर लेटती है, डोगरी की लोरी गानी शुरू कर दी। तू मल्ला तू लोक बन्नन, ठीकरियां बादाम पन्ने तू। तू मल्ला तू लोक पौन, मंडिया निया करें तू। उसकी सांस हल्की होती गई। उसने बड़ी कोशिश करके एक आंख जरा सी खोली और इत्मीनान से मुझे देखा। उसके गाल मुस्कुराहट में खींचे। उसके होठों पर खून का कतरा एक विद्रोही की तरह आ निकला। उसने गर्दन को जरा सी जुबिश देकर कहा, गाओ और गाओ। लोरी का अंतरा अभी अधर में ही फड़फड़ा रहा था कि वह तृप्त बच्चे की तरह सो गया। उसके सोते ही अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। पता नहीं यह कब तक चलता रहा। बेआवाज आंसू निकलने में बड़ी तकलीफ होती है। आवाज अंदर ही घुटकर फड़फड़ाती रहती है। खारा पानी निकलने के बाद भी कुछ भीतर रह जाता है,
जो बादलों में बिजली की तरह मुखर होता रहता है। अचानक कंधे पर एक हाथ का कसाव मुझे भारी दुनिया में ले आया। मैंने अपनी चुनरी से आंसू पोंछे और घूम कर देखा। सिपाही की उम्र का एक डॉक्टर सफ़ेद कोट पर झूलता स्टेथोस्कोप हाथ में थामे बड़ी हमदर्दी से मुझे देख रहा था। उस वार्ड में 6 बीमार थे। डॉक्टर ने मुझे पीछे आने का इशारा किया। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने बहुत धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं हैरान सी डॉक्टर को देखने लगी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मैं रोज़ यहाँ मरीजों के पास आकर बैठती हूँ। और यह डोगरी बोल रहा था, तो मैं इसके पीछे पीछे चली आई। ये मेरा हम वतन है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? वह वार्ड के अंत में खिड़की से झांकते समुद्र को देखते हुए बोला, इसके दिमाग में छर्रे घुस गए हैं। यह बम फटने के स्थान से अपने साथी को उठाकर लाया था। हम कुछ नहीं कर सकते, बस जब तक ये है तब तक इसकी देखभाल कर सकते हैं। इसकी तकलीफ किसी से नहीं देखी जाती। जब ये चिल्लाता है तब दीवारें भी सहम कर कांपने लगती हैं। मैंने पूछा, इसके घर वालों को तार दे दिया होगा आपने? जम्मू से यहाँ आने में भी 2 दिन लगेंगे। डॉक्टर चुपचाप सोचने लगा, फिर बोला, पर आप आती रहिए, मरने से पहले किसी अपने को देखकर इसे यकीनन खुशी होगी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर मायूस होकर बोला, दर्द पर मुनहसिर है, 4-5 घंटे तक आ सकता है। 4 घंटे बाद जब मैं लौटी तो वह सूप पी रहा था। मैं आकर उसकी चारपाई के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। मैंने पूछा, हूँ ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ इस वक्त तो ठीक हूँ। सूप पीते वक्त मुंह खोलने में उसे तकलीफ हो रही थी, पर अब उसके होंठ पहले से कम सूजे हुए थे। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, इत्थे कियां आईयां? मैंने कहा, मैं यहाँ रोज़ घायल सिपाहियों को देखने आती हूँ। नर्सें बता देती हैं किसके पास बैठूँ, किसी किसी की सेवा करने का मौका मिल जाता है। कई लड़कियाँ आती हैं। सिपाहियों से बातें करके लगता है देश की रक्षा में हमारा भी योगदान है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे सैकड़ों हजारों लोकगीत सिपाहियों पर ही रचे गए हैं। मुझे अपने सिपाही बहुत अच्छे लगते हैं। उसने खुश होकर कहा, आपको सिपाहियों के लोकगीत आते हैं? मैंने कहा, हाँ हर डोगरी औरत को आते हैं। वह आग्रह से बोला, मेरे लिए गाइए ना। मैंने अपना गला धीरे से साफ किया और गुनगुनाने लगी। उसे अपनी भाषा में गीत सुनकर सुकून मिल रहा था, जैसे मादरी जुबान उसका दर्द पी रही थी। आसपास मरघाट जैसी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आप कहाँ के हैं? उसने कहा, चेनानी का हूँ। जम्मू से कश्मीर जाते हुए दाईं तरफ सफ़ेद सफ़ेद महल है ना, वहीं एक नदी बहती है और वहाँ एक बिजली घर भी है। चेनैनी के राजा की माँ हमारे ही गांव की बेटी थी। मैं कई बार राजा के महल में भी गया हूँ। राजा की बात करते करते उसके चेहरे पर भड़कपन की एक परछाई उजलाने लगी। मुझे लगा जैसे यह खुद एक राजा है। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? उसकी आंखें भर आई। फिर वह मुस्कुरा कर बोला, सब कोई है, मेरी माँ, बापूजी, बड़ी भाभी, भाई जी और उनके बच्चे। वैसे तो गांव में हर कोई अपना ही होता है। फिर वह बोला, बुबो जी आप कहाँ की हैं? मैंने कहा, पुरमंडल की हूँ, नाम सुना है?
वह उत्साह से बोला, मैं वहां शिवरात्रि में गया था, देविका में भी नहाया था। देविका को गुप्त गंगा कहते हैं ना? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। फिर वह बोला, मैं अपनी भाभी को लिवाने गया था। मैंने पूछा, तुम्हारी भाभी कौन से मोहल्ले की है? उसने रस में डूब कर कहा, बोबो मोहल्ला तो नहीं जानता, पर उसके घर अत्ती है, भाभी की छोटी बहन अत्ती, यह उसका नाम है। मैंने पूछा, यह कैसा नाम हुआ, अत्ती? उसने मुस्कुराकर कहा, अति से बना होगा, वह काम अति में ही करती है, पानी भरने जाएगी तो 16 घड़े भर लाएगी, एक बार में 2 घड़े उठाती है अत्ति। उसका चेहरा मुलायम हो गया, पूरे वजूद पर जैसे अत्ती छा गई हो। मैंने उससे बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हें अत्ती अच्छी लगती है ना? वह शर्मा गया। मैं उसका हाथ सहला रही थी, वह कह रहा था, बोबो जी मेरे बापू भी फौज में ही थे, लड़ाई में उनकी बाँह पर गोली लगी तो पेंशन पाकर घर आ गए, अब उनकी पेंशन और थोड़ी सी खेती से ही गुजारा होता है। मैंने पूछा, और तुम्हारा भाई? वह कहने लगा, भाई तो जम्मू कश्मीर रूट पर बस चलाता है, कभी जम्मू कभी कश्मीर, महीने में 1-2 दिन घर भी रहने आता है। मैंने कहा, फिर तो तुम उसके साथ बस में खूब घूमते होगे। सिपाही का चेहरा और नरम हो गया, कहने लगा, कई बार भाई अपने साथ बस में ले जाता था, बटोत में हमारा नैनिहाल है ना, भापा मुझे वहीं छोड़ जाता था, आती बार वापस फिर ले आता था। मेरे नैनिहाल में मेरे मामा मामी मुझे बड़ा प्यार करते थे, उनके ददूनियों के भाग थे, उनसे खट्टा अनारदाना बनता है, हम गर्मियों में अनारदाने की चटनी पीसकर खीरे में भरकर खाते हैं। इस बात पर हम दोनों हंस पड़े। मैंने पूछा, तुम फौज में कब से हो? तो वह बोला, यही कोई 4 साल से, बापू तो चाहते थे वहीं चनैनी में ही दुकानदारी करूं, बापू को जब एक मुश्त पैसा मिला तो उनकी यही मर्जी थी, पर मैं अड़ गया। मैंने कहा, हमारे परिवार से हमेशा कोई ना कोई फौज में जाता ही है, अब आप आ गए हैं तो मैं जाऊंगा। यह कहकर वह मुस्कुराया, फिर बोला, आज या कल घर से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, पर आप तब तक यहीं रहना और आती रहना। क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, मैंने कहा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगी थी, ज्वार भाटे के इंतजार में उसने दोनों हाथों से चारपाई की पाटी पकड़ ली। तभी डॉक्टर घबराया सा दाखिल हुआ, उसे पता नहीं कैसे मालूम हो गया था, उसके साथ नर्स थी। डॉक्टर मुझे देखकर सुकून व इत्मीनान से बीमार के पास झुका और उससे बोला, देखा ना, घर से भी कोई ना कोई आ ही जाएगा, मैंने कहा था। सिपाही मुस्कुराया, फिर बोला, अभी मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ, बोबो जी भी यही हैं। डॉक्टर ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, डोगरी में बोबो को बड़ी बहन कहते हैं। फिर सिपाही की ओर मुखातिब होकर उससे कहा, मैं तुम्हारी चनैनी भी हूँ, चिंता ना करो, हमारा गांव हमेशा हमारे साथ रहता है। पता नहीं ये मैंने कैसे कह दिया, अपने गांव के नाम से वह तड़प कर मुस्कुराया। वह मुझे अविश्वास के साथ देख रहा था, शायद वह सोच रहा था कि मैं चनैनी हूँ या नहीं। चनैनी उसका खूबसूरत कस्बा, उसका जन्म स्थान, जहाँ काली रातों में चमकते राजाओं के सफ़ेद महल हैं, जहाँ बहती नदी के पानी से झांकते गोल गोल पत्थर तारों की तरह जगमग करते हैं, जहाँ से श्रीनगर जाती बस की घुमावदार चाल को उसका कस्बा टुकुर टुकुर ताकता रहता है, जैसे नंग धड़ंग बच्चे हैरानी से बस की रोशनियां देखते हैं। डॉक्टर ने सिपाही को इंजेक्शन लगा दिया, वह धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा,
मैं रो रही थी। क्या ये टुकुर टुकुर ताकती इसकी आंखें सचमुच में निश्चल हो जाएंगी? क्या यह अपनी जन्मभूमि के लिए तड़पने वाले सिपाही यहीं बम्बई में किसी शमशान घाट में राख हो जाएगा, या इसके घर वाले इसका शव छिनैनी ले जाएंगे? कौन जाने। मैं तो यूं ही लपेट में आ गई थी। डॉक्टर की आवाज़ से मैं चैतन्य हुई। मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। डॉक्टर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर आकर मिन्नत से बोला, आप कल भी आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, आप कभी भी आइए, पर सुबह नाश्ते के वक्त यह थोड़ा चैतन्य रहता है। घर जाते समय मुझे लग रहा था मेरा आत्मीय, मेरा अपना, मेरा वतन जाया यहाँ अकेला पड़ा है। मेरी तरह कई नर्सें और डॉक्टर वापस जा रहे थे, कोई आशा के साथ तो कोई दुविधा के साथ। सिपाही को डॉक्टर ने 2-3 दिन से ज़्यादा ना दिए थे। अगली सुबह मैं पहुंची तो वह नाश्ता कर चुका था। नर्स उसका मुंह पोंछ रही थी। छरों से भरे सिर पर सफ़ेद कपड़ा कफन की तरह लिपटा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो वह मुझे किसी दरवेश की तरह लगा। दरवेश जो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गया हो। नर्स ने आंखों ही आंखों में मुझसे पूछा। मैंने कलाकंद का दौना उसकी तरफ कर दिया। नर्स भी मुस्कुराने लगी थी। उसने कलाकंद का दौना हाथ में लिया और सिपाही को खिलाने लगी। सिपाही ने काफ़ी कलाकंद खा लिया तो कहा, सिस्टर तुम भी खाओ ना। सिस्टर मुस्कुराती रही। सिपाही ने मुझे कहा, इस कलाकंद से मुझे उस गुड़ की बर्फ़ी की याद आ गई जो हमारे चनैनी में दुर्गा हलवाई बनाता था। इस बात पर हम तीनों हंसे। सिपाही के गले में जैसे कुछ फंसा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और नर्स उसे पानी पिलाने लगी। काफ़ी देर में उसका सांस सामान्य हुआ। वह ठीक होते ही कहने लगा, बोबो जी आज बड़ा आनंद आया, मुझे कलाकंद बहुत पसंद है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तुम कहो तो कल राजमा चावल ले आऊं। उसकी आंखें चमकने लगी। वह बोला, राजमा चावल खाए सच में बड़े दिन हो गए, क्या राजमा पूंछ के हैं? मैंने कहा, हाँ पूंछ के ही हैं। वह बेहद खुश हुआ तो मैंने उसे छेड़ा, क्या अत्ती को चिट्ठी लिखूं? वह शर्मा गया। एक क्षण के लिए जैसे उसकी सारी पीड़ा काफूर बनकर उड़ गई। फिर कंखियों से मुझे देखकर बोला, कैसी बात कर रही हो बोबो, भाई जी सुनेंगे तो मार ही डालेंगे। वह पता नहीं जानता भी था या नहीं, मार डालने के लिए उसके सिर में धंसे छर्रे धीरे धीरे जहर बनकर उसे अपने आगोश में ले रहे हैं। बेहोशी फिर से उस पर तारी होने लगी थी। उसका मुंह चमक रहा था। उसके हाथों ने कसकर मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा, यह सो जाएगा तो इसकी उंगलियों से फंसा हुआ ये दुपट्टा कैसे निकालूंगी? मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, यहाँ से ठीक होकर तुम चनैनी जाओगे या बटोत? उसने यत्त करके जवाब दिया, पहले यहाँ से तो निकलूं, इस चारपाई से मैं बड़ा तंग हूँ, लगता है यह दर्द की रस्सियों से बुनी हुई है और सारी रस्सियाँ मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं। मैं उसकी दार्शनिकता पर मुग्ध हो गई। नींद में जाता जाता वह बोला, राजमा बहुत गलाना और मिर्चें कम डालना। मैंने कहा, ठीक है अब तुम सो जाओ, मैं कल सुबह फिर आऊँगी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने कहा, सो जाओ और देखो सिपाही कभी भी घबराता नहीं है। डोगरा सिपाहियों के हौसले और सिपाहियों के गीत गाने वालों के सुरों में बुलंद रहते हैं। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट रोने से ज़्यादा उदास थी। उसने मेरा आंचल पकड़ लिया था। उसकी सांस शिशु की सांस की तरह
कोमल और स्निग्ध हो गई थी। मेरा आंचल भी उसके हाथों से छूट रहा था। मैंने धीरे से उसे खींचा और उसकी चारपाई पर हाथ धरे उसकी सांस का आरोह अवरोह देखने लगी। नर्स ने आकर कहा, अभी 4-5 घंटे सोएगा भाई, तुम जाओ। मैंने कहा, नर्स, अगर तुम्हें तुम्हारे रहते इसे होश आए तो इसे कहना मैं कल इसके लिए खाना लेकर जल्द ही आऊँगी। अगले दिन खाने से डिब्बा भरकर राजमा की खुशबू को बंद करके मैं अस्पताल के उसी वार्ड की ओर जा रही थी तो सोच रही थी राजमा चावल खाकर सिपाही कितना खुश होगा, मेरी चाल तेज़ होगी। स्त्री को खाना बनाकर खिलाने में अनिवार्यनीय सुख मिलता है। मेरे कदम तेज़ हो गए, उत्साह दौड़ने लगा। जब मैं उसके वार्ड में पहुंची तो देखा उसके बेड पर 3-4 सिर झुके हुए हैं, टांग में प्लस्तर चढ़ा है और सिर पर वह सफ़ेद कफन सा भी नहीं है। वह कराह रहा था। मैं पास जाकर खड़ी हुई, रोटी के गरम डिब्बे पर टपकते अपने आंसुओं की आवाज़ मैं सुन सकती थी। डॉक्टर उसे देख रहे थे, वह सिपाही कोई दूसरा था। जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई थी वह कहाँ चला गया? तभी मैंने देखा कि कल वाली नर्स एक ट्रे रखकर जा रही थी। मैं उसके पीछे भागी। मैंने कॉरिडोर में जाकर उससे पूछा, सिस्टर, वह कहाँ है जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई हूँ? सिस्टर बोली, उसके बाद तो उसे होश ही नहीं आया, कल रात ही उसे ले गए थे, ये सोल्जर आधी रात को आया है। नर्स के लिए यह एक रोज़ की बात थी। मैं न जाने कितनी देर वहाँ खड़ी रही। फिर जाते जाते मैंने अस्पताल के फाटक के साथ वह डिब्बा रखा और घर चली गई। इस बात को कई बरस हो गए। एक बार जम्मू जाने पर सिपाही की बड़ी याद आई तो मैं चिनैनी की बस पर सवार हो गई। अगली सीट पर बैठे बैठे मोड़ों की प्रदक्षिणा से निढाल होकर आंख लगी तो जगह जगह सिपाही दिखाई देने लगा, जैसे वह मेरे साथ साथ चिनैनी जा रहा हो। पता नहीं उसके माँ बाप, भाई, भाभी, बच्चे कैसे होंगे, और रत्ती का तो ब्याह हो चुका होगा। वह कहाँ जान पाएगी उससे ब्याह करने की एक ख्वाहिश चिता में ही भस्म हो चुकी है। ठंडी पहाड़ी हवा बार बार आकर मेरे बालों पर हाथ फिरा रही थी। ख्वाब में मुस्कुराते सिपाही का चेहरा मोड़ों पर झांकने वाले सूरज की तरह चमक रहा था। मुझे लगा वह भी मेरे साथ चिनैनी जा रहा है। अभी मैं पूरी की पूरी सिपाही के तसव्वुर में थी कि कंडक्टर की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, चलो उतरो, चिनैनी, चिनैनी की सवारियाँ। मैंने उतरकर आसपास देखा, दो लोग गठरियाँ उठाए चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे ही हो ली। पता नहीं क्यों उनको मैंने सिपाही के घर का पता पूछने के काबिल नहीं समझा। बाजार में चारों तरफ देख देख कर मैं हलवाई की दुकान ढूंढ रही थी। दुर्गा हलवाई की गुड़ की बर्फी का जिक्र उसने किया था। मैं धीरे धीरे दाएं बाएं देखती जा रही थी। एक गली में खड़ी कुछ औरतें नल पर पानी भर रही थी। वे सब मुझे देखने लगी। एक ने पूछा, आप किसके घर जाएंगी? मैंने कहा, मैं दुर्गा हलवाई को ढूंढ रही हूँ। एक औरत हंसती हंसती बोली, दुर्गा हलवाई की तो लॉटरी खुल गई है लगती है। मुझे उसकी बदतमीजी पर क्रोध आ रहा था, पर उससे पहले ही एक दूसरी लड़की मुझे अपने साथ ले गई। रास्ते में उसने कहा, यह कर्मो बड़ी खच्चर है, इसकी बात कोई नहीं सुनता। अब देखिए, दुर्गा हलवाई की आंखों का ऑपरेशन खराब हो गया था। वह दुकान के बाहर ही चारपाई डाले पड़ा रहता है और जो कोई भी उसके पास जाता है उसको वह कोच कोच कर सभी के बारे में पूछता है, कौन हो, किसके बेटे हो, तेरा बाप कहाँ है, भाई की चिट्ठी आई कि नहीं, आपको भी बड़ा बोर करेगा वो। मैंने सोचा, यह बोर शब्द पहाड़ों पर भी आ पहुंचा है। तभी वह एक दुकान के आगे आकर खड़ी हो गई। एक हट्टा कट्टा लड़का खोया भून रहा था।
उस लड़की ने कहा, ये शहर में आई हैं, चाचू को पूछ रही हैं। उसने खोया भूनते भूनते ही कहा, आज वह नहीं आएगा, उसे मलेरिया हुआ है, इनको घर ले जाओ। ऊबड़ खाबड़ गली के सिरे पर उसका घर था। बाहर धूप में खटोला डाले दुर्गा उकड़ू होकर लेटा हुआ था। हम उसके करीब जाकर खड़े हो गए। उसने आहट पाकर पूछा, कौन है? लड़की ने कहा, चाचू ये तुम्हें मिलने आई हैं। कौन, प्यारी हो? हाँ चाचू, ये कुछ पूछना चाहती हैं तुमसे। उसने अपना स्थान नहीं बदला। फिर पूछा, क्या पूछना है? जल्दी करो वरना खांसी शुरू हो गई तो। मैंने जल्दी से कहा, सिपाही का पता करने आई हूँ, उसका घर कहाँ है? हलवाई ने कहा, कौन, मंगतू? अच्छा, वह सिपाही? वाह मेरे शेर, आपको भी चकमा दे गया। मैं हैरान होकर हलवाई को देखने लगी। उसकी बंद आंखें भी सोच में डूबी हुई थी। वह बोला, सतरोड़ा था वह। सतरोड़ा जानती हैं, राजाओं की नाजायज औलादें। उसका अपना कोई ना था, वह हमेशा अपनी कहानियां गढ़ता रहता था। सुना था पाकिस्तान की जंग में मारा गया, गांव में पटवारी को तार आया था। मेरी दुकान पर भी कभी कभी आकर बैठता था। उसे गुड़ की बर्फी बड़ी पसंद थी। उसे शायद मेरी चुप्पी खल रही थी। कहने लगा, बुआ इस तरह के कई मंगतू हैं जो सपने देखते देखते उन्हें सच समझने लगते हैं। उसकी माँ कभी की मर गई थी, उसे कौन देखता? महल के बाहर उसे कोई छोड़ गया था। मेरी दुकान के थड़े पर ही पला था वो। सर्दियों में मेरी भट्टी के नीचे वह और कालू पड़े रहते थे। पर मरा वो सिपाही होकर। शाबाश, अब तो मेरे कालू को भी मरे काफी देर हो गई है। अपनी बारी देखते हैं कब आती है। कालू कुत्ता था पर मंगतू उससे ऐसे बातें करता जैसे वह भी एक आदमी का बच्चा हो। थोड़ी देर वह चुप रहा। फिर जैसे उसे ध्यान आया, जाओ बुआ जाओ, भीतर चलो, बहुएं तुम्हें चाय पीने को पूछेंगी। इतना बोलकर वह हांफने लगा। मेरी सुनने बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी। यहाँ तक साथ साथ आता मंगतू बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैं उस जगह से कदम उठाने का हौसला बुनने लगी जहाँ मंगतू, उसका परिवार, अत्ती और उसके सारे सपने दफन